कोसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक साकेत वर्मा की क्या उपलब्धियां रही हैं? सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां हैं, निजी उपलब्धियां कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं में क्या स्थिति है उनकी विधायक जी? कुछ खुश है, कुछ नाराज। क्या चुनाव का में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका नुकसान होगा। आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर हैं? जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह, सेक्टर संयोजक, भाजपा निंदूरा बाराबंकी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में कौन से काम कर रही है जिससे आपको लगता है कि पार्टी फिर से जीतेगी? कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो उसने बाकी रखा हो। जब एक पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कुर्सी क्षेत्र में एक दो विकास कार्यों के नाम बताइए जो काम किए हों। विकास तो सब दिख रहा है ना, खुला जितना रोडों का काम है। मतलब आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं क्या? बहुत कुछ है, कुछ बताइए। वही मैं पूछ रहा हूँ तो आप देख नहीं पाएंगे। नहीं, आप किया है? नहीं, आप गिनाइए, मैं गिनने के लिए आया हूँ, आप गिनाइए। आप जैसे उज्ज्वला योजना के तहत ले लें। कुर्सी क्षेत्र में कितने लोगों को कनेक्शन मिला है? कनेक्शन तो लगभग जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में लगभग मान के चलिए 5% बाकी हुई हो, अब हो भी रहा है, साथ चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कितने कनेक्शन हुए हैं, नंबर्स किसके? उज्ज्वला योजना में 1 लाख लगभग। हाँ, इससे ऊपर ही समझ लो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विकास कुमार तिवारी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या क्या काम किए हैं? विधायक ने बहुत ज़्यादा काम किए, जैसे मान लीजिए रोडों का जाल बिछाया, जगह जगह पर जहाँ पर लोग जा नहीं सकते थे वहाँ पर रोडें बिछ गई हैं, उससे बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और जिन गाँवों में लाइट नहीं थी उन गाँवों में लाइट पहुँच गई है। आपके चुनाव के यही मुद्दे हैं जिन पर आप वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। और ये कहते हैं अन्य योजना के तहत जो कार्य है वो भी चल रहा है, और लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी से लोग जूझ रहे थे उनका सहयोग करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए, बहुत अच्छे कदम हैं उनके।